brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. आधुनिकता की ओर बढ़ते भारत के कदमों में एक और कड़ी जुड़ चुकी है। भारत लगातार विकास की नई बुलंदियों को छू रहा। इसी कड़ी में अब भारत में जिस बुलेट ट्रेन का इंतजार हो रहा था वो अब खत्म हो गया। जी हाँ, जल्द ही भारत में बुलेट ट्रेन दौड़ती नजर आएगी। खबर आ रही कि महाराष्ट्र के पालघर और ठाणे जिले में बुलेट ट्रेन का काम शुरू हो गया है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी NHRCL ने कहा है कि ये काम महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सिलफाटा में जारोली गांव तक फैली बुलेट ट्रेन परियोजना के पैकेज C3 के हिस्से के रूप में किया जा रहा है। इसी के साथ जानकारी दी गई है कि पूरे 135 किलोमीटर लंबे हिस्से की भूमि तकनीक जांच पूरी होने वाली है। इस क्षेत्र में दो पर्वतीय सुरंगों पर भी काम शुरू हो गया है और कई स्थानों पर घाट की नींव का काम भी शुरू हो गया। कहा जा रहा है कि गार्डरों की फुल स्पैन और सेगमेंट कॉस्टिंग के लिए कॉस्टिंग यार्ड विकसित किए जा रहे हैं। बुलेट ट्रेन परियोजना का पैकेज C3 135.45 किलोमीटर लंबा है और इसमें 24.027 किलोमीटर तक फैले वायाडक्ट और पुल के साथ साथ 5.361 किलोमीटर की पृथ्वी संरचनाएं शामिल है। इसमें 36 पुल और क्रॉसिंग भी शामिल है, जिनमें 12 स्टील पुल भी शामिल है। इस परियोजना में 6 पहाड़ी सुरंगें और 1 कट एंड कवर सुरंग के साथ साथ उल्हास, वैतरणा और जगनी नदियों पर महत्वपूर्ण नदी क्रॉसिंग भी शामिल है। इस खंड में ठाणे, विरार और बोईसर में 3 बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेंगे। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने परियोजना के रूप में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स और सिलफाटा में भूमिगत स्टेशनों के बीच 21 किलोमीटर लंबी भारत की पहली समुद्र के नीचे सुरंग का निर्माण करना शुरू कर दिया है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लागत 1.08 लाख रुपए आकी गई है। शेयर धारिता पैटर्न के अनुसार भारत सरकार को NHSRCL 10,000 करोड़ का भुगतान करना है, जबकि इसमें शामिल दो राज्य गुजरात और महाराष्ट्र हैं। सरकार की माने तो बुलेट ट्रेन की स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। बुलेट ट्रेन से अहमदाबाद से मुंबई के बीच सफर 2 घंटे 7 मिनट में पूरा हो जाएगा। अभी इन दो शहरों के बीच बस से सफर करने पर 9 घंटे और ट्रेन से 6 घंटे का समय लगता है। बुलेट ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के तौर पर जाना जाता है। इसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। भारत में बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट कहा जाता है। यह प्रोजेक्ट भारत और जापान की अटूट दोस्ती की मिसाल है। रेलवे इस प्रोजेक्ट में किसी भी प्रकार की खामी के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहता है। खैर, कुछ भी हो, देखना तो ये होगा कि बुलेट ट्रेन का कितनी जल्दी होगा उद्घाटन। आपका क्या कुछ कहना है बुलेट ट्रेन को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।